Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार प्रिय छात्रों आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ आपने इस पंद्रहवें सत्र के साथ और हमारा जो कोर्स है फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस उस कड़ी का ये पंद्रहवा सत्र है जिसकी आज हम शुरुआत करेंगे और जैसा कि हमने अपने पिछले सत्र में जो संवेग और उससे जुड़े हुए सिद्धांतों की चर्चा की और साथ ही साथ उसमें हमने जेम्स लैंच का सिद्धांत उसकी बात की फिर हमने कैनन बार्ड द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है उसकी बात की उसके बाद हमने उसी क्रम में शेष्टर सिंगर द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसकी बातचीत हम कर रहे थे लेकिन उस पिछले सत्र में समय के अभाव के कारण हम अपनी उस बातचीत को पूरा नहीं कर पाए तो यहाँ हम अपने इस सत्र में जो कि अभिप्रेरणा और उसके उसकी अवधारणा और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमारा डिस्कशन इस सत्र में होना है परंतु हम अपने पिछले सत्र का बचा हुआ ये थोड़ा सा भाग उसको हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और उसके बाद हम अपने मुख्य टॉपिक जो आज के सत्र का यानी अभिप्रेरण मोटिवेशन उससे हम संबंधित बातचीत करेंगे जैसा कि हमने पिछले सत्र में बातचीत की थी सेस्टर और सिंगर ने अपने जो शोध किए उस शोध में उनकी जो मूलभूत धारणा थी वो कहीं ना कहीं से आर्नोल्ड की जो अप्रेजल थियोरी है उससे वो प्रेरित थी और उसकी चर्चा हमने अपने पिछले सत्र में भी की है तो यहाँ पर हम उसको दोबारा चर्चा में नहीं करेंगे केवल हम ये देखेंगे कि एक शुरुआती स्तर पे आर्नोल्ड ने ये शुरुआत की उन्होंने अपने शोध में ये बताया अपने रिसर्च में अपने थियरी में कि किस प्रकार से कॉग्नेटिव अप्रेजल जो हैं वो गुड वर्सेस बैड यानी जो हमारे लिए लाभदायक हैं या हमारे लिए बुरे हैं और उसके आधार पर हम उसको या तो पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं और फिर उसके आधार पर हम यदि वो हमारे लिए पसंद है हमको वो रिज़ल्ट या वो इमोशन पसंद है तो हम उस एक्शन को या तो अप्रोच करेंगे यानी उसमें हम एंगेज होंगे और या तो फिर अगर वो हमारे लिए डिसलाइकिंग है तो हम उसको अवॉइड करेंगे तो इस प्रकार से आर्नोल्ड ने अपना जो सिद्धांत दिया था उसी की धारणा को आगे बढ़ाते हुए उसी पर निर्भर होते हुए सेस्टर सिंगर ने अपना कार्य आगे बढ़ाया और मूल रूप से सेस्टर सिंगर ने जो एक नई चीज़ उन्होंने इसमें जोड़ी वो ये थी कि, कि किस प्रकार से हम जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारे लिए जो होते हैं इमोशंस के साथ जो जुड़े होते हैं किस प्रकार से उनका अप्रेजल करते हैं यानी उनका जब हम कॉग्नेटिव अप्रेज़ल करते हैं तो उसकी वजह से हमारे इमोशंस जनरेट होते हैं अब यहाँ पर जो मूल्यांकन की बात हुई है जो संज्ञानात्मक मूल्यांकन की बात हुई है सेष्टर सिंगर के द्वारा जो प्रपोज़ किया गया है उसमें महत्वपूर्ण यह है जो आपको समझना है कि उन्होंने यहां पर फिजियोलॉजिकल अराउजल जो हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके क्या कारण हैं किन कारणों से वो हो रहे हैं उस वक्त वातावरण में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं या परिस्थितियां किस प्रकार की हैं जिसकी वजह से ये बदलाव हुए हैं तो इस प्रकार का जब हमारे पास कोई रीज़न होता है यानी जब हम उसके आसपास अपने वातावरण में ये देखते हैं या ये खोजने का प्रयास करते हैं या ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं वातावरण के कौन से कारण हैं जो उनको इन चेंजेस को वो उत्पत्ति के पीछे वो जिम्मेदार हैं तो इस प्रकार से सेस्टर सिंगर की जो ये सिद्धांत है उसमें कॉग्नेटिव अप्रेजल हमारा इस बात पर सीमित है या इस बात पर केंद्रित है कि फिजियोलॉजिकल एराउजल जो हुआ है वो क्यों हुआ है उसके क्या निकटवर्ती कारण है वातावरण से या हमारे अपनी जो एक समझ है उससे हम उसको विकसित करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं इस आधार पर सेस्टर सिंगर ने अपना ये सिद्धांत जो है इसको निर्धारित किया है इससे जुड़ा हुआ उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध किया है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही रोचक एक एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने किया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में जिस विधि का इस्तेमाल किया वो भी बहुत रोचक है तो मैं उसका जिक्र यहाँ पर आपसे करूँगा ताकि आपको इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये समझ मिल सके कि किस प्रकार ने किस प्रकार से सेस्टर सिंगर ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में जो कि वैसे बहुत मुश्किल लग रहा है सुनने में कि हम कैसे ये पता लगा पाएंगे कि कोई व्यक्ति अपने बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं जो फिजियोलॉजिकल लेवल पर जो चेंजेस हो रहे हैं किस प्रकार से वो उनको मूल्यांकन करेंगे और इसके बाद उनके अंदर किसी प्रकार का कोई इमोशन उससे संबंधित जनरेट होगा या वहाँ पर क्रिएट होगा तो इसके लिए जो शोध उन्होंने किया वो शोध इस प्रकार था कि अपने शोध में उन्होंने कुछ प्रतिभागी लिए और उन प्रतिभागियों में जिसका कि मैं यहाँ पर आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाऊँगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएँ उन्होंने दो तरह के ग्रुप्स बनाए दो तरह के समूह लिए एक को उन्होंने नाम दिया ग्रुप ए और एक को हम अगर कहें यदि ग्रुप बी तो ग्रुप ए को उन्होंने एक केमिकल जिसका नाम है एपिनेफ्रीन और इसको एड्रीन भी कहते हैं ये एक प्रकार का केमिकल है जो हमारी बॉडी में कुछ फिजोलॉजिकल चेंजेस उत्पन्न करता है या हम यूँ कह लें कि हमारे अंदर कुछ अराउजल उत्पन्न करता है तो इस प्रकार का जो इंजेक्शन उनको दिया गया जिसमें ये एपिनेफ्रीन था और एक दूसरे ग्रुप को एक अलग ऐसा उनको इंजेक्शन लगाया गया जिसमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं था जिसका कोई प्रभाव हो या वो किसी भी तरह से उनके लिए हानिकारक हो या किसी भी प्रकार से उसका कोई भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला था तो यहाँ इन दोनों ही परिस्थितियों में इनको कंडीशन ए में भी उन उस ग्रुप को एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन लगाया गया और कंडीशन बी में भी उनको प्लेसिबो दिया गया यानी वहाँ पर उनको जो इंजेक्शन दिया गया उसमें किसी प्रकार का कोई भी केमिकल जो उसका कोई प्रभाव नहीं था अब ग्रुप ए को उन्होंने दो कंडीशंस में बांटा एक वो लोग जिनको इसके बारे में बताया गया कि जो इंजेक्शन उन्हें लगा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और एक दूसरे उस ग्रुप में कुछ पार्टिसिपेंट्स आधे पार्टिसिपेंट्स को उन्होंने उस कंडीशन में रखा जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इस इंजेक्शन का या जो उनको लगाया गया है ये केमिकल इसका क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप को हम अवेयर ग्रुप कहेंगे और दूसरे ग्रुप को हम अनअवेयर ग्रुप की संज्ञा देंगे तो ग्रुप ए में उन्होंने आधे पार्टिसिपेंट्स को यह बताया कि उस दवाई का उस केमिकल का क्या असर होने वाला है और आधे पार्टिसिपेंट्स को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी उसी तरह से प्लेसिबो इफेक्ट में चूंकि उसका तो वैसे भी कोई असर नहीं था तो उसके पार्टिसिपेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई अब यहाँ पर उन्होंने इन दोनों ग्रुप्स के आधे आधे पार्टिसिपेंट्स को दो तरह की कंडीशंस में रखा और उस कंडीशन का नाम उन्होंने रखा एक कंडीशन को उन्होंने यूफोरिया कंडीशन कहा और दूसरी कंडीशन को उन्होंने एंगर कंडीशन कहा यानी ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे इसमें से आधे पार्टिसिपेंट्स को यूफोरिया कंडीशन अलॉट की गई और आधे पार्टिसिपेंट्स को एंगर कंडीशन अलॉट की गई अब यहां पर बहुत दिलचस्प ये था और जो उनकी फाइंडिंग्स में भी मिला हालांकि उनकी फाइंडिंग्स में उन्होंने जो स्पष्ट रूप से हाइपोथेसिस बनाई थी कि जिन लोगों को इंजेक्शन दिया गया है एपिनेफ्रीन का उनके अंदर जो एराउज़ल उत्पन्न होगा चूँकि उसके बारे में वो जो व्यक्ति पहले से ये वाला जो ग्रुप है जो उसके बारे में पहले से जानते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को या जो उनके अंदर जो भी अराउज़ल जनरेट हो रहा है उससे वो उस परिस्थिति को जोड़ पाएंगे और कहीं ना कहीं वो उस इमोशन को रिपोर्ट कमतर करेंगे और जो व्यक्ति जिनको उसके बारे में नहीं पता है उसके प्रभाव के केमिकल के प्रभाव के बारे में वो जब उस परिस्थिति में जाएंगे तो वो उसके बारे में ज़्यादा रिपोर्ट करेंगे हालांकि जो कंडीशन इन्होंने क्रिएट की थी जिसमें एक कंडीशन यूफोरिया यानी जो अत्यधिक उत्साह या खुशी वाली जो कंडीशन इन्होंने क्रिएट की थी उसके लिए इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर इन्होंने जो प्रतिभागियों को जहाँ पर बिठाया था जिस कमरे में वहाँ पर उनको बिठाने के बाद ये उन्हें कुछ टास्क करने को देते थे और उस टास्क को करने के साथ साथ वहाँ पर एक और प्रतिभागी वो बिठा के रखते थे वो प्रतिभागी इनका अपना ही एक्सपेरिमेंटर का अपना एक पहले से फिक्स किया हुआ एक व्यक्ति होता था जिसको पहले से ये निर्देश दिए जाते थे कि आपको किस प्रकार से वहाँ जाने के बाद व्यवहार करना है और वो व्यक्ति उसी प्रकार से व्यवहार करता था जैसे यूफोरिया कंडीशन में उसको ये कहा गया कि आप वहाँ पर जाने के बाद गाना गुनगुनाइए और कुछ कागज़ जो पड़े हैं उनको इस प्रकार से गेंद बना करके आप वहाँ खेलिए और इस प्रकार की आप कुछ एक्टिविटीज़ करिए जिससे वहाँ का माहौल एक खुशनुमा माहौल हो सके उसके बाद जो एंगर कंडीशन क्रिएट करने के लिए उन्होंने बड़े ही रोचक तरीके से प्रतिभागियों को कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनर्स दिए कुछ इस प्रकार के उनसे प्रश्न पूछे गए जो कि उनके लिए इंसल्टिंग थे या उनके लिए बहुत हद तक इरिटेटिंग थे और इस वजह से उनके अंदर एक कुढ़न और चिढ़न का भाव पैदा किया गया और इस वजह से उनको गुस्सा उनके अंदर जनरेट किया गया साथ ही साथ वहाँ पर भी एक प्रतिभागी को बिठाया गया था और उस प्रतिभागी को भी यही निर्देश दिए गए थे कि आप वहाँ पर पहुँचने के बाद जो भी आपके सामने वस्तु होगी आप उसको गुस्से में उठा करके वहाँ से फेंक देंगे और कुछ बड़बड़ाते रहेंगे और आप उस पूरे वाक्य के दौरान आप अंत में गुस्से में वहां से बाहर निकल आएंगे दरवाज़ा पटकते हुए तो इस प्रकार का वहां पर एक क्रिएट किया गया एनवायरमेंट ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर भी उस पूरी परिस्थिति के कारण या तो यू यूफोरिया की कंडीशन जनरेट हो या फिर एंगर की कंडीशन जनरेट हो तो इस प्रकार से इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को उन्होंने बनाया था और इसमें जो फाइंडिंग्स आई हालांकि वो उतनी स्पष्ट रूप से तो नहीं निकली जितनी उन्होंने उम्मीद की थी सेस्टर सिंगर ने परंतु उसके बावजूद जो मुख्य रूप से इसमें बाहर निकल के आया इस शोध से वो यही था कि जिन व्यक्तियों को अपने जो केमिकल उनको दिए गए थे जो इंजेक्शन लगाए गए थे जब उसके बारे में उन्हें पूर्व में सूचना थी तो उनके अंदर वो इमोशंस का जो क्रिएशन था या जो जनरेशन था जो उत्पत्ति थी वो कमतर हुई और जो दूसरे व्यक्ति थे उनके बिहेवियर में वो चीज़ ज़्यादा देखी गई इमोशन का जो कंटेंट था वो उनके बिहेवियर में ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया तो इस प्रकार से इस शोध से सेस्टर सिंगर ने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करने की कोशिश की कि किस प्रकार से हमारे अंदर जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कॉग्निटिव अप्रेजल की प्रक्रिया से जनरेट हो रहे हैं जो कि हम अपने फिजियोलॉजिकल अराउज़ल किन कारणों से हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल अराउजल उत्पन्न हो रहे हैं उसके बारे में जब हम अपना एक कॉग्निटिव अप्रेजल कर रहे हैं तो इस प्रकार का जो एक अप्रेजल सिस्टम है उसके बाद हमारे अंदर इमोशंस जनरेट होते हैं तो इस रोचक इनके एक्सपेरिमेंट को कुछ बाद में और दूसरे रिसर्चर्स ने भी दूसरे शोधकर्ताओं ने भी उसको दोहराने का प्रयास किया और उसमें एक और रोचक जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो मैं आपसे यहाँ पर जिक्र करूँगा उसमें जो प्रतिभागियों को एक ऐसी परिस्थिति में उनको वहाँ पर कुछ अपना रिस्पॉन्स करना था जहाँ पर उन्हें एक पुल से गुजरना था और पुल से गुजरते वक्त वहाँ बीच में ही उनको वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटर जो कि महिला थी उसने वहाँ पर उनको रोका और उसने उनको कुछ वहाँ पर सवाल प्रश्न उनसे पूछे और उन उसके उत्तर उनसे वहाँ पर लिए और साथ ही साथ लास्ट में उसने उनको ये पूछा कि यदि आपको इस एक्सपेरिमेंट से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछने हैं या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको यदि चाहिए होगी तो आप मेरा नंबर रख सकते हैं और इस, इस नंबर के बाद यदि आपके अंदर कोई इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं तो इस प्रकार की सेटिंग के बाद उन प्रतिभागियों से जो प्रमुख प्रश्न पूछा गया था जो उनको बाद में उनसे पूछा गया वो ये था कि आप जिस पुल पर खड़े थे उस पुल का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था क्योंकि आधे प्रतिभागियों को एक ऐसे पुल पर रखा गया या एक ऐसे पुल से गुजरना था जो कि एक कंक्रीट का पुल था मतलब एक मजबूत पुल था और साथ ही साथ वो काफ़ी निचाई पे था यानी नदी से वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित नहीं था जबकि दूसरी कंडीशन में जो प्रतिभागी थे उनका जो पुल था वो एक तो लकड़ी का पुल था और साथ ही साथ वो नदी से काफ़ी ऊंचाई पर था यानी कि उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी अराउजिंग करने वाली थी वो एक प्रकार का सेंसेशन एक हम कह सकते हैं एक फियर का हल्का सेंसेशन उत्पन्न करने वाली वो फीलिंग थी तो ये देखा गया बाद के एक्सपेरिमेंट की समाप्ति के बाद कि जिन प्रतिभागियों को लकड़ी वाले पुल से जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित था उससे गुजरने को कहा गया था उसमें से ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने एक्सपेरिमेंटर को दोबारा कॉल किया और जो ऐसे व्यक्ति या ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जो नीचे वाले पुल से यानी मजबूत पुल से गुज़रे थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटर को उनके मुकाबले बहुत कम लोगों ने कॉल किया यानी इन दोनों कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि जो प्रतिभागी एक ऐसी परिस्थिति में थे जहाँ पर उनके अंदर वो एराउजल उत्पन्न हो रहा था तो वो उस एराउजल की वजह से उन्होंने उस एराउज़ल को उस एक्सपेरिमेंटर महिला से जोड़ा और उसके बाद उसको कॉल किया जबकि जो दूसरी कंडीशन थी वहाँ पर वो एराउजल कम हुआ इसकी वजह से उन्होंने ना ही कुछ ऐसा महसूस किया और ना ही उन्होंने दोबारा ज़्यादा कॉल किया तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये कुछ रोचक एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे ये दर्शाया गया कि किस प्रकार से हमारे अंदर जो एराउजल हो रहा है जो उत्पन्न हो रहा है किसी इवेंट की वजह से उसके जब हम कारण को खोजते हैं यानी उसका जब कॉग्निटिव अप्रेजल करते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उससे हमारे संवेग उत्पन्न होते हैं अब यहाँ पर हमारे पास तीन प्रमुख सिद्धांत हैं एक जेम्स लैंड का सिद्धांत दूसरा कैनन बार्ड का सिद्धांत और तीसरा श्रेष्ठ सिंगर का सिद्धांत तो हम प्रयास करेंगे कि यहां पर इन तीनों सिद्धांतों को एक बार क्रमशः किस प्रकार से वो एक दूसरे से भिन्न है इसको समझने का प्रयास करेंगे जेम्स लैंज के सिद्धांत में उनका कहना है कि सर्वप्रथम कोई इवेंट होगा उसके बाद उस इवेंट से जुड़ा हुआ कोई फिजियोलॉजिकल अराउजल हमारे अंदर उत्पन्न होगा और उस फिजियोलॉजिकल अराउजल की वजह से हमारे अंदर इमोशंस या फीलिंग्स जनरेट होंगी जब हम उसके बारे में सोचेंगे या जब हम उसको परसीव करेंगे तब यहाँ पर सोचने की बात नहीं है यहाँ पर केवल उस इवेंट के बाद जब फिजियोलॉजिकल अराउज़ल होंगे तो उस फिजियोलॉजिकल अराउज़ल की अनुभूति से हमारे अंदर फीलिंग जनरेट होगी इसके बाद कैनन बार्ड ने जो सिद्धांत दिया उसमें हम देख सकते हैं कि वहां पर उन्होंने ये कहा कि किसी इवेंट के होने के बाद हमारे अंदर जो फिजियोलॉजिकल अराउज़ल है और उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई फीलिंग है यानी जो इमोशन कंपोनेंट है वो उसके साथ ही साथ यानी कि साइमल्टेनियसली जनरेट होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जेम्स लैंस की थियोरी में फिजोलॉजिकल अराउज़ल पहले हो रहा है उसके बाद उसकी अनुभूति के कारण फीलिंग्स आ रही हैं फीलिंग जनरेट हो रही हैं यानी इमोशन उसके बाद आ रहा है कैनन बार्ड के सिद्धांत में इवेंट के बाद फिजोलॉजिकल अराउज़ल और फीलिंग कंपोनेंट दोनों एक साथ यानी साइमल्टेनियसली आ रहे हैं और सेस्टर सिंगर के सिद्धांत में सेस्टर सिंगर के सिद्धांत में हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने यह बताया कि इवेंट होने के बाद सर्वप्रथम फिजियोलॉजिकल अराउजल आएगा परंतु इस फिजोलॉजिकल एराउजल कॉग्निटिव अप्रेजल होने के बाद ही हमारे अंदर किसी प्रकार का इमोशन जनरेट होगा तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों सिद्धांत जो हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न हैं और वो एक दूसरे से अलग अलग तरीके से वो इमोशन को स्पष्ट करने का या उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इन तीनों ही सिद्धांतों को बाद में आगे चल कर के इस क्षेत्र में और भी बहुत से सिद्धांत आए और जिसमें से कॉग्निटिव अप्रेजल की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो लेजारस के द्वारा दिया गया वो भी एक आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके साथ साथ एक और सिद्धांत है जिसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे जो जिसको फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है और ये जो सिद्धांत है इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस का जो शोध है या इसका जो थियोरी है वो जेम्स लैंज का जो सिद्धांत है जो उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले जो इमोशन के क्षेत्र में जो थियोरी उन्होंने प्रतिपादित की थी उस थियोरी को सपोर्ट करता है यानी जेम्स के अनुसार हर इमोशन का अपना एक डिस्टिंक्ट फिजियोलॉजिकल पैटर्न होता है यानी उसका एक अपना विशिष्ट फिजियोलॉजिकल उसका एक मार्कर होता है तो इस पॉइंट को फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस से बहुत अधिक बल मिलता है और हम जब इस शोध के बारे में और चर्चा करेंगे तो ये चीज़ हमें और स्पष्ट रूप से समझ आएगी यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस में पहले मैं उसका आपसे जिक्र करूँ उसमें इस शोध में होल्डिंग द पेन यानी कि पेन को इस प्रकार से होल्ड कराया गया कि प्रतिभागी के चेहरे में उस तरह के भाव उत्पन्न हो सकें और यहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट है समझना कि प्रतिभागियों को शुरुआत के रिसर्चेज़ में ये कहा गया कि आप इस तरह के अपने चेहरे पर भाव लाइए या इस तरह से अपने चेहरे के मसल्स को आप चेंज कीजिए और उसके अंदर ये आप थोड़ा आँखों को सिकोड़िए या अपने चेहरे को थोड़ा सिकोड़िए या फैलाइए इस प्रकार से उनको निर्देशित किया गया उनको बॉडी पोस्चर्स बनाने को उनके मुठ्ठियाँ भींचने को इस प्रकार के भी उनसे चेंजेस अपने अंदर लाने को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हालांकि इससे जो एक प्रॉब्लम उभर के आई वो ये थी कि शोधकर्ता जब इस प्रकार का कोई निर्देश देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रतिभागियों को साथ में ये हिंट भी देते हैं या कहीं ना कहीं उनके भाव से या उनके बातचीत के तरीके से एक सामने वाले जो प्रतिभागी को एक हिंट मिल जाती है या उसके अंदर कहीं ना कहीं ये आ, उसको अंदाज़ा लग जाता है कि हमसे क्या उम्मीद की जा रही है क्योंकि इस तरह के भाव इंस्ट्रक्शन के थ्रू उत्पन्न करवाने के बाद उनसे ये पूछा जाता था कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं आपके अंदर कौन सी फीलिंग जनरेट हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रतिभागी इस चीज़ को समझने के बाद इसी तरह का रिस्पॉन्स देते थे तो इस प्रकार की एक जो ऑब्वियस कमी है जो इस तरह के शोध में आ जाती है उसको डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है और जब इस तरह का शोध में ये हम कह सकते हैं कि ये समस्या आती है तो यहाँ पर हमारे शोध की जो फाइंडिंग होगी यानी रिसर्च के द्वारा हमें जो भी निष्कर्ष मिलेगा कहीं ना कहीं वो उसमें एरर की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होगी तो इसीलिए इसमें बाद में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए जहाँ पर ये देखा गया कि उनको इस बारे में अंदाजा न लगाया जा सके प्रतिभागी उसके बारे में ना समझ पाए इसलिए उनको दूसरे तरीके से उनके चेहरे पर जो बदलाव लाने थे जो फेशियल एक्सप्रेशन वहाँ पर इनिशिएट करने थे उसके लिए एक, एक एक्सपेरिमेंट किया गया आ, वो था होल्डिंग द पेन यानी कि जैसे अगर ये कलम है तो इसको उनको कहा गया कि या तो एक बार इसको आपको अपने दांतों से दबाना है और या फिर इसको अपने लिप्स यानी होठों से आपको इस पेन को पकड़ना है जैसे यदि मैं आपको यहाँ पर इसको अभी करके यदि दिखाऊँ इसमें हम ये आप घर पर बैठ भी कर सकते हैं इसमें जो स्पष्ट इस रूप से एक चीज़ दिखती है और यदि आप चाहें तो मिरर में इसको आप अपना रिफ्लेक्शन देख के आप समझ सकते हैं कि जब हम पेन को दांतों से दबाते हैं या दांतों से पकड़ते हैं तो हमारे चेहरे में एक हल्की सी स्माइल जैसा एक एक्सप्रेशन उभरता है और जब हम लिप्स से अपने पेन को पकड़ते हैं तो हमारे चेहरे यानी हमारे होठों पर कुछ इस प्रकार की सिकुड़न आती है कि वो हमारा एक हल्का सा एंगर के प्रति या एक हल्का सा हमारी इरिटेशन के प्रति वो उसको दर्शाता है तो इस प्रकार का जब एक्सप्रेशन वहाँ पर क्रिएट किया गया और इसके बाद इस तरह से किए हुए उन प्रतिभागियों को कुछ मैगज़ीन्स के बारे में उनको एक क्वेश्चनर दिया गया यानी एक प्रश्नावली दी गई और उसके बाद उनको बताया गया वो मैगजीन्स कार्टून की मैगज़ीन्स थी और उनके बारे में उनको ये कहा गया कि आप इनकी रेटिंग कीजिए यानी आप बताइए कि ये कितनी फ़नी है ये ज़्यादा फनी है कम फनी है या बिल्कुल फ़नी नहीं है तो इस प्रकार से उनको आ, इस एक्सप्रेशन को लाने के बाद उनसे ये रिस्पॉन्स लिया गया और जब उनसे इस प्रकार का रिस्पॉन्स लिया गया तो उसमें ये पाया गया कि ज़्यादातर प्रतिभागियों ने जिन्होंने दांतों से अपने पेन को पकड़ा था यानी कि उनके अंदर जो स्माइलिंग का जो एक्सप्रेशन आ रहा था कुछ खुशनुमा एक्सप्रेशन था जिससे उनके अंदर एक हैप्पीनेस का मिलता जुलता एक इमोशन जनरेट हो रहा था उन्होंने मैगजीन्स को ज़्यादा फनी रेट किया यानी उनके अनुसार वो मैगज़ीन्स ज़्यादा फनी थी जबकि जो दूसरे प्रतिभागी थे उन्होंने उन मैगज़ीन्स को कमतर फनी बताया इससे ये अंतर समझ में आया शोधकर्ताओं को कि कहीं ना कहीं हमारे चेहरे से जो हमें भाव प्रकट हो रहे हैं जो जो हमारे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं उसका हमारे ओवरऑल जो इमोशन जनरेट हो रहा है कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ रहा है और इसी के साथ साथ हमारे फेस में यानी फेस फेशियल मस्क्यूलेचर में जो हमारी फेशियल मसल्स हैं उसमें टोटल एट्टी मसल्स में से थर्टी सिक्स मसल्स हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो हम एक्सप्रेशन करते हैं फेस का उसके लिए जिम्मेदार होती हैं उसमें उनका रोल होता है अब इसके साथ साथ जो शोध किए गए उसमें दो प्रकार की जो फाइंडिंग्स थी यानी एक जहाँ पर ये प्रयास किए गए स्थापित करने का कि फेशियल फीडबैक हमारे इमोशंस को इनिशिएट करते हैं और वो उसके लिए ज़िम्मेदार हैं इस तरह के वर्जन को या जब इस तरह की जो शोध किए गए उसको स्ट्रॉन्ग वर्जन कहा जाता है और कुछ ऐसे शोध किए गए बाद में जिसमें यह केवल स्थापित किया गया कि फेशियल फीडबैक्स का भी रोल होता है हमारे इमोशन के जनरेशन में तो इस तरह के जो शोध की जो दिशा थी उनको वीक वर्जन कहा गया फेशियल फीडबैक की दिशा में यानी उसके महत्व को जब दर्शाने के लिए तो स्ट्रोंग वर्ज़न और वीक वर्ज़न दोनों का ही इस्तेमाल किया गया और इसमें जो फेशियल फीडबैक का एक डायग्राम है जो चार्ट है जिसको मैं यहाँ आपके लिए ड्रॉ करूँगा तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे कि, कि किस प्रकार से जो फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस है उसमें किस प्रकार से सूचना हमारे फेशियल मसल्स से और वो पहुँचती है हमारे ब्रेन तक और किस प्रकार से वो इमोशन जनरेशन को प्रभावित करती है तो सर्वप्रथम इसमें हम देखेंगे कि एक इवेंट है ये इवेंट किसी भी इंफॉर्मेशन के रूप में इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है और इसके बाद ये इवेंट सर्वप्रथम इसकी जो सूचना है वो हमारे नियो कॉर्टेक्स यानी हमारे ब्रेन के कॉर्टेक्स के हिस्से में वो पहुंचती है और यहां पर जो सबसे पहला काम होता है वो होता है वहां पर न्यूरल फायरिंग होती है और इस न्यूरल फायरिंग के बाद जो इवेंट की वजह से हुआ सबसे पहले हमारे जो कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो लिम्बिक सिस्टम उसमें महत्वपूर्ण है यह ब्रेन का एक हिस्सा है और इसमें भी मुख्यतः हाइपोथैलेमस और बेसल गैंगलिया इन दो हमारे कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स के पास यह सूचना जाती है और वहां से हमारे अंदर जो मोटर कॉर्टेक्स है उसमें इंपल्स जनरेट होता है और ये जो इंपल्स यहां जनरेट हुआ यह इंपल्स फिर हमारे क्रेनियल नर्व जो कि जिसका नाम है फेशियल नर्व और इसको क्रेनियल नर्व नंबर सात कहा जाता है इस क्रेनियल नर्व की सहायता से यह सूचना हमारे पास पहुंचती है हमारे फेशियल एक्शन के रूप में ये प्रकट होती है ये दूसरा चरण है ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है जिसमें फेशियल एक्शन है यहाँ पर जो इस मोटर कॉटेक्स से जो इम्पल्स जनरेट हुआ है उसके बाद वो जन इम्पल्स फेशियल नर्व के थ्रू हमारे फेशियल एक्शन को इनिशिएट करता है जिसकी वजह से हमारे फेस में कुछ चेंजेस होते हैं वो चेंजेस होते हैं चेंजेस इन फेशियल मस्क्यूलेचर यानी जो फेस की मसल्स हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं दूसरा जो चेंज है वो फेशियल टेम्परेचर में हो रहा है यानी हमारे फेस का जो टेम्परेचर है जो तापमान है वो बदल रहा है और इसके साथ साथ एक और है जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए इसी में क्रम में वो है हमारे फेस के फेशियल ग्लैंड्स में चेंजेस यानी जो हमारे फेस में ग्रंथियां मौजूद हैं उसमें भी कुछ प्रकार के चेंजेस इनिशिएट होते हैं अब ये जो भी चेंजेस हमारे फेस में इनिशिएट हुए हैं ये चेंजेस की जो सूचना है वो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व जिसको कि क्रेनियल नर्व नंबर पांच भी कहते हैं उसके बाद यह सूचना हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स में पहुंचती है यानी कि जो सूचना हमारे पास अभी तक फेशियल एक्शन में जो भी वहां पर बदलाव हुए वो सूचना हमारे सेंसरी कॉर्टेक्स को मिली और वो सूचना अंत में पुनः हमारे कॉर्टेक्स पे पहुंचती है न्यू कॉर्टेक्स में और यहाँ पर वो सूचना इंटीग्रेट होती है यानी कॉर्टिकल लेवल पे वो सूचना इंटीग्रेट की जाती है और इसको हम कहते हैं कॉर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ फेशियल फीडबैक यानी कि जो हमारे फेस से जो फीडबैक प्राप्त हमें हो रहा है यहाँ पर आप देखिए सर्वप्रथम वो इवेंट हुआ उसके बाद हमारे कॉटेक्स में एक प्रकार की न्यूरल फायरिंग जनरेट हुई और वो हमारे जो फायरिंग है वो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस उसमें पर्टिकुलरली और बेसल गैंगलिया में हुई और उससे हमारे अंदर एक इम्पल्स जनरेट हुआ जो मोटर कॉटेक्स में जनरेट हुआ उसके बाद वो जो इम्पल्स जनरेट होता है वो फेशियल नर्व के माध्यम से हमारे अंदर फेस के पास पहुंच के एक प्रकार का वहां पर एक्शन जनरेट करता है जिसमें कि तीन प्रमुख एक्शन वो जनरेट करता है चेंजेस इन फेशियल मस्क्यूलेचर चेंजेस इन फेशियल टेम्परेचर और साथ ही साथ चेंजेस इन फेशियल ग्लैंड और फिर ये जो चेंजेस हुए हैं हमारे फेशियल मसल्स में इनको इनकी सूचना ट्राइजेमिनल नर्व के माध्यम से सेंसरी कॉर्टेक्स के पास पहुंचती है और वो इसको रिसीव करने के बाद पुनः हमारे ब्रेन सेंटर्स को जो हमारे एडवांस सेंटर्स हैं जो उनको ये सूचना भेज देता है और वो केंद्र हमारे इन सभी सूचनाओं को उनका फीडबैक लेते हुए आगे का प्रोसेस पूरा करते हैं तो इस प्रकार से ये जो पूरा फीडबैक का सिस्टम है किस प्रकार से हमारे चेहरे पे जो होने वाले स्किन और उसके टेम्परेचर और उसके ग्लैंड्स में होने वाले जो बदलाव हैं जो मसल्स में होने वाले बदलाव हैं उनका फीडबैक जब पहुँचता है तो वो कही कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल जो जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है उसको प्रभावित करता है तो इस प्रकार से फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि किस प्रकार से इमोशंस जो जनरेट हो रहे हैं उसमें हमारी फेशियल मसल्स का भी योगदान है इसके बाद ये हमने अभी तक जो चर्चा की ये हमारे लिए प्रमुखता इमोशन यानी संवेग की मोटे तौर पर हमने सभी जो मूलभूत धारणाएं हैं उनको अभी तक हमने यहाँ पर डिस्कस किया और समझने का प्रयास किया अब हम आगे बढ़ेंगे अपने आज का जो सत्र का टॉपिक है मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण क्यों को समझने की दिशा में और यहाँ पर जब हम अभिप्रेरण की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम उसको परिभाषित करना चाहेंगे और अभिप्रेरण की परिभाषा करने के लिए उसके कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जिन्हें समझना हमारे लिए ज़रूरी है और वो प्रश्न इस प्रकार से हैं कि सर्वप्रथम जो भी व्यवहार हो रहे हैं कोई भी व्यक्ति जो व्यवहार करता है वो उसके पीछे का कारण क्या है यानी कि किसी व्यवहार के होने के पीछे क्या कारण है जिसको कि हम एक सिंपल प्रश्न के तौर पर कहते हैं वट कॉजेज अ बिहेवियर यानी एक व्यवहार के होने के पीछे क्या कारण है क्या वो हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन से वो कारक हैं जो उस व्यवहार को होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या उसको उसका होना सुनिश्चित कर रहे हैं साथ ही साथ हम ये भी समझना चाहते हैं कि जो व्यवहार हो रहा है वो अपनी इंटेंसिटी में यानी उसकी तीव्रता में बदलाव क्यों होता रहता है और वो बदलाव परिस्थिति के अनुसार और अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का व्यवहार की इंटेंसिटी होती है और साथ ही साथ एक ही व्यक्ति में यानी उसी व्यक्ति में अगर परिस्थितियां अलग अलग हों और अलग अलग समय पर वही व्यक्ति उस व्यवहार को अलग अलग तीव्रता में वो रिस्पॉन्ड करता है या वो क्रिएट करता है यानी कि एक व्यक्ति अपने व्यवहार में खुद भी उसके भिन्नता होती है साथ ही साथ दो व्यक्तियों के व्यवहार में भिन्नता होती है परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार में भिन्नता होती है और इस प्रकार से जो अभिप्रेरण है वो हमें इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में कहीं ना कहीं हमारी सहायता करता है और साथ ही साथ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हमारा जो ध्यान जाता है वो अभिप्रेरण उसको भी कहीं ना कहीं स्पष्ट करने का प्रयास करता है उसकी जो अवधारणा है वो उसको भी समझाने के लिए उपयुक्त मानी गई है और वो प्रश्न है कि लोग क्या चाहते हैं यानी हम जो भी हमारी वांट्स हैं हमारी नीड्स हैं उसके पीछे के क्या रीजंस हैं उसके बारे में और साथ ही साथ एक तो हम स्वयं क्या चाहते हैं खुद क्या चाहते हैं इसकी एक समझ और साथ ही साथ दूसरे लोग क्या चाहते हैं उसकी भी एक समझ और वो जो वांट है हमारी यानी जो हम चाहते हैं वो किस प्रकार से जो बिहेवियर हम कर रहे हैं उसको वो कॉज कर रहे हैं यानी उसका वो कारण बन रहे हैं तो इस प्रकार का जो एक अंडरस्टैंडिंग है बिहेवियर से रिलेटेड वो हमें मोटिवेशन के माध्यम से समझने को मिलती है उसको स्पष्ट हम उससे कर सकते हैं तो अभिप्रेरण को यदि हम परिभाषित करेंगे इसके बाद तो अभिप्रेरण हमारे लिए इस प्रकार है कि जो किसी बिहेवियर को इनिशिएट करता हो उसके बाद उसको एनर्जाइज करता हो यानी मेंटेन करता हो और साथ ही साथ उसको गोल डायरेक्टेड दिशा में यानी उसको एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति में उस व्यवहार को वो केंद्रित करता हो तो ऐसा जो हमारा एक मैकेनिज़्म है जो ऐसी एक प्रक्रिया है जो हमारे बिह, बिहेवियर को सर्वप्रथम वो क्रिएट करे उसका निर्माण करे उसके बाद वो उसको एनर्जाइज करे उसको ऊर्जा प्रदान करे और उसके बाद वो उसको लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उसको केंद्रित करे इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे हम अभिप्रेरण की प्रक्रिया कहते हैं अब अभिप्रेरण के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें जो एक बहुत ही रोचक तथ्य सामने आता है वो है शुरुआती दौर में इंस्टिंक्ट्स की बात की गई और इंस्टिंक्ट्स हमारे लिए इनेट हमारी एबिलिटीज़ हैं या हमारी इनेट टेंडेंसीज़ हैं जिसमें कि हम जन्मजात हमारे अंदर बहुत सारे आ, ऐसे इनेट हमारे आ, कह लीजिए कि इंस्टिंक्ट्स मौजूद हैं जिसके तहत हम अपना बिहेवियर डायरेक्ट करते हैं या उससे हमारा बिहेवियर कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और शुरुआती दौर में इंस्टिंक्ट से जुड़े हुए एक बहुत ही बड़े वैज्ञानिक जो कि मैकडोगल ने 18 प्रकार के इंस्टिंक्ट्स को उन्होंने चिन्हित किया था जिसमें से कि एग्रेशन भी एक प्रकार का इंस्टिंक्ट उन्होंने चिन्हित किया था और इसके साथ साथ उन्होंने क्यूरोसिटी और इस प्रकार के उन्होंने टोटल अट्ठारह इंस्टिंक्ट्स को उन्होंने चिन्हित किया था और उनके अनुसार ये इंस्टिंक्ट्स कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को डायरेक्शन देते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं और उनके अनुसार ये हमारे व्यवहार कौन सा व्यवहार हम करेंगे ये उसको डिस्क्राइब करते हैं लेकिन समय के साथ इंस्टिंक्ट थ्योरी में एक बहुत बड़ी जो कमी थी वो सामने आई और वो ये थी कि आ आगे आने वाले समय में इस इंस्टिंक्ट की जो संख्या थी वो बढ़ते बढ़ते हज़ारों तक पहुंच गई और आगे चल के केवल इसमें इसकी लिस्ट में जो इंस्टिंक्ट की लिस्ट बन रही थी उसमें केवल नंबर बढ़ते जा रहे थे लेकिन इंस्टिंक्ट्स किस प्रकार से हमारे व्यवहार को उत्पन्न करते हैं उसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में कोई भी सही थियोरी या सही सिद्धांत बताया नहीं जा रहा था और इस वजह से इंस्टिंक्ट्स जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को स्पष्ट करने में कि हमारा व्यवहार क्यों हो रहा है उसको स्पष्ट करने में वो विफल रहे इंस्टिंक्ट थियोरी के माध्यम से और इसमें इसको समझने के लिए आप यूँ समझिए कि जैसे अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति आ, एग्रेसिव है तो उसको स्पष्ट करने के लिए इंस्टिंक्ट थ्योरी को जो लोगों ने प्रमोट किया वो इसको इस तरह से बताते थे कि एक व्यक्ति जो एग्रेसिव होता है उसके अंदर एग्रेसिव इंस्टिंक्ट होता है यानी आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही कोई नया व्यवहार या किसी भी प्रकार का एक ऐसा प्रश्न जब वहाँ पूछा जा रहा है तो वहाँ पर वो उसको एक इंस्टिंक्ट के तौर पर उसको देखते हैं लेकिन वो इंस्टिंक्ट किस प्रकार से उस व्यवहार को जनरेट कर रहा है या किस प्रकार से उस उसकी उत्पत्ति के पीछे उसका क्या रोल है इसको वो बहुत स्पष्टता से नहीं बता पाते इसके बाद जो दूसरे जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर इंस्टिंक्ट थियोरी से संबंधित है वो ये कि अपनी इन नाकाम ये कह सकते हैं कोशिशों के बावजूद अभिप्रेरण की प्रक्रिया को समझाने में नाकामयाबी के बावजूद इंस्टिंक्ट थियोरी ने एक जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया वो ये था कि कहीं ना कहीं हमारा जो व्यवहार में हमारी जो टेंडेंसीज़ हैं हमारी जो पर्सनैलिटी है और इनफैक्ट हमारा जो मोटिवेशन भी है उसमें जो जेनेटिक्स का रोल है हेरिडिटी का जो रोल है यानी जो हमारी इनेट टेंडेंसीज़ हैं उसका जो रोल है कहीं ना कहीं उसको प्रमुखता दी गई इंस्टिंक्ट थ्योरी द्वारा और आज के समय में ये बहुत हद तक स्थापित हो पाया है कि जो हमारे व्यवहार हैं उसमें हमारे जो हेरिडिटी है जो हमारी इनेट टेंडेंसीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है इनफैक्ट पचास प्रतिशत तक जो हमारे व्यवहार के पीछे जो कारण माना गया है वो हैरिडिटी और उससे जुड़े हुए जो हमारे टेंडेंसीज हैं जो इनेट एबिलिटीज़ हैं हमारी उनको माना गया है तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इंस्टिंक्ट थियोरी ने कुछ हद तक एक सफलता पाई हमारे मोटिवेशन की प्रक्रिया को डिस्क्राइब करने में उसके बाद जो दूसरा प्रमुख सिद्धांत है जो मोटिवेशन की इस हम कह सकते हैं कि अवधारणा को समझने के लिए जिसको प्रतिपादित किया गया वो था ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और इसमें हम ये देख सकते हैं कि दो प्रकार की ड्राइव्स का जिक्र है एक प्राथमिक ड्राइव्स और दूसरी द्वितीय ड्राइव्स यानी कि एक ड्राइव उस कंडीशन को कहा जाता है जब हम किसी प्रकार की हमारे अंदर कोई नीड हो और उस नीड यानी आवश्यकता की वजह से हमारे अंदर एक प्रकार की किसी वस्तु की इच्छा उत्पन्न हो या उसको ग्रहण करने की हमारे अंदर एक ज़रूरत हो आवश्यकता हो क्योंकि वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है और ख़ास करके ड्राइव थ्योरी मुख्यतः हमारे जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उन पर ज़्यादा केंद्रित है उनको समझाने में ये ज़्यादा स्पष्टता से या कह सकते हैं ज़्यादा सटीकता से अपना योगदान देती है और इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट है वो होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट है और होम्यो के कॉन्सेप्ट में हम ये देख सकते हैं कि हमारे शरीर में एक समस्थिति की एक हमेशा ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है और जब होम्योस्टेट की जो कंडीशन है वो हम हमेशा मेंटेन करना चाहते हैं यानी कि हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के जो वैल्यूज़ हैं जो हमारी शरीर की कुछ हम कह सकते हैं इंटरनल चाहे वो हमारा बॉडी टेम्परेचर हो चाहे वो हमारे बॉडी का ग्लूकोज लेवल हो या चाहे वो हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर हो इस प्रकार के या चाहे हमारे बॉडी का फ्लूइड लेवल हो तो ये हमारे तमाम शरीर में जो आ, हमारे जो दैहिक जो हम कह सकते हैं जो फिजियोलॉजिकल रेंजेस हैं जो हमारे बॉडी की वो हमेशा एक एक निश्चित रेंज में यानी कि एक सम स्थिति में रहनी चाहिए और हम हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहते हैं तो होम्योस्टैसिस की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ड्राइव थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से जो हमारे व्यवहार हैं वो इस दिशा में वो हम करते हैं कि हमारे अंदर होम्योस्टेसिस की स्थिति मेंटेन हो सके और यहाँ पर जो प्राइमरी ड्राइव्स हैं वो कही न कहीं ना कहीं ड्राइव थ्योरी में उनको माना गया है जो हमारे फिजियोलॉजिकल जो हमारी नीड्स हैं उनको हमारे लिए प्राइमरी ड्राइव की तरह देखा गया है जिसमें हंगर है थर्स्ट है स्लीप है इस प्रकार की जो हमारी प्राइमरी ड्राइव्स हैं जो हमारी शारीरिक ज़रूरतें हैं उनको प्राइमरी ड्राइव्स की संज्ञा दी गई है और सेकेंडरी ड्राइव्स उनको संज्ञा दी गई है जहाँ पर कि हम सीखते हुए यानी कि हमने अपने सोशल सेटिंग से अपनी कल्चरल सेटिंग से अपनी पर्सनल लाइफ से अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जिन चीज़ों को सीखा है या जिन चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है उदाहरण के तौर पे यदि हमें अगर हम कहें कि मनी की हमें आवश्यकता होती है तो वो हमारे लिए सेकेंडरी ड्राइव के तौर पे है क्योंकि मनी अपने आप में कोई हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करता परंतु हमने ये सीखा है कि मनी हमारी बाकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमारे पास होना चाहिए तो इस प्रकार से वो हमारे लिए एक्वायर्ड यानी एक सीखा हुआ एक ड्राइव है तो इस प्रकार की प्राइमरी और सेकेंडरी ड्राइव में इसको डिवाइड किया गया है और यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सर्वप्रथम हमारे अंदर एक ड्राइव जनरेट होगी और ये ड्राइव जनरेट होगी क्योंकि हमारे अंदर अगर इसको हम कहें कि ग्लूकोज का लेवल लो हो गया है और ग्लूकोज का लेवल लो होने की वजह से हमारे अंदर जो ड्राइव उत्पन्न हुई है वो हंगर की है तो हमको वहाँ पर ज़रूरत है कि हम कुछ भोजन करें और उसके बाद हम उस भोजन को करने के पश्चात यानी यहाँ पर हम जो बिहेवियर करेंगे वो ईटिंग बिहेवियर होगा और खाने के बाद हमारे बॉडी में फिर से ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाएगा यानी हाई हो जाएगा और जब ग्लूकोज़ लेवल हाई होगा यानी हमने यहाँ देखा कि जब ग्लूकोज लेवल लो हुआ तो हमारे अंदर एक प्रकार की ड्राइव उत्पन्न हुई हंगर की और उसके बाद हम ईटिंग बिहेवियर में हम लिप्त हुए यानी हमने ईटिंग बिहेवियर को इनिशिएट किया और ईटिंग बिहेवियर इनिशिएट करने के बाद हमारा जो ग्लूकोज लेवल था वो फिर से हाई हो गया यानी जो हमारी ड्राइव थी वो रिड्यूस हुई हमारी ड्राइव कम हुई और इस तरह से जो ड्राइव थियोरी है वो कार्य करती है और हमारे व्यवहार को एक्सप्लेन करने का प्रयास करती है अब इसके बाद हम अगली बात करेंगे क्योंकि ड्राइव थियोरी ज़्यादातर हमारे फिजोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात करती है परंतु वो कहीं ना कहीं हमारे जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें हैं उनको समझा पाने में वो सक्षम नहीं होती क्योंकि केवल हमारी जो ज़रूरतें हैं वो केवल शारीरिक न हो करके उसके अलावा भी बहुत कुछ हैं जैसे कि हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनके लिए हमें तात्कालिक कोई हमारी शारीरिक ज़रूरत नहीं होती जैसे उदाहरण के तौर पे यदि हमें भूख न लगी हो हमारा पेट भरा हो उसके बावजूद यदि हमारे सामने कोई मीठी चीज़ या आइसक्रीम लाई जाती है तो हम उसका सेवन करते हैं यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास अभी किसी प्रकार की कोई ड्राइव नहीं है फिर भी कोई ऐसी वस्तु सामने आने पर हम उसका सेवन कर लेते हैं इसके अलावा हम देखते हैं कि ड्राइव थियोरी के अनुसार हमारे अंदर जो ड्राइव है जब उसको वो जब बढ़ता है और उसको टेंशन का नाम दिया जाता है इस बढ़े हुए ड्राइव की जो स्टेट है जो अवस्था है उसको हम एक टेंशन की अवस्था के तौर पे जानते हैं तो जब ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है तो ऐसे में हम उस व्यवहार को करते हैं जिससे हमारी वो अवस्था यानी वो टेंशन रिड्यूस हो कम हो परंतु कई बार ये देखा गया है कि बहुत से व्यक्ति उसके बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे उनका जो टेंशन है जो ड्राइव है वो रिड्यूस नहीं होता बल्कि वो या तो बना रहता है या वो और इंक्रीज हो जाता है तो इस प्रकार के बहुत सारे व्यवहार हैं जो ड्राइव थेरी के द्वारा स्पष्ट नहीं हो पाते हैं तो उनको स्पष्ट करने के लिए कुछ और सिद्धांत हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे उसमें जो अगला सिद्धांत है जिसको हम जिसको मैकलेलैंड ने प्रपोज किया है मैकलेलैंड जो हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर हैं और वहाँ पर उन्होंने एक शोध के द्वारा उन्होंने कुछ प्रमुख नीड्स को आइडेंटिफाई किया और उन नीड्स में उन्होंने ये बताया कि हमारे अंदर मुख्यतः तीन प्रकार की साइकोलॉजिकल यानि मनोवैज्ञानिक नीड्स हैं और उसमें एक जो नीड है वो है नीड फॉर एफिलिएशन यानी कि हमारे अंदर एक ऐसी नीड जिसमें हम लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं उनके साथ एक परस्परता रखना चाहते हैं उनके साथ हम एक बेहतर संबंध स्थापित करना चाहते हैं यानी कि अगर इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर आप एक टीम अगर आप किसी अगर एक क्रिकेट टीम को ही आप ले लीजिए तो उसमें कुछ खिलाड़ियों को हम इस तौर पर देखते हैं या आप जहाँ पर भी रहते हैं या जिन बच्चों के साथ आप खेलते हैं या जिन लोगों के साथ आप रहते हैं आप उनके अंदर भी अगली बार इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने का प्रयास कर सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि वो खुद कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या उनको कितने मौके मिल रहे हैं या उनको आ, उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि नहीं परंतु उनके लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं किस प्रकार से उनके संबंध दूसरों के साथ अच्छे हैं या नहीं तो इस प्रकार से जो इस तरह के लोग होते हैं वो टीम के अंदर जब होते हैं अगर हम खिलाड़ियों का एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लें तो वो अपनी टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ एक बेहतर संबंध बनाने को लेकर के ज़्यादा उत्सुक होते हैं ना कि वो अपनी व्यक्तिगत जो अचीवमेंट्स हैं या जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको वो ऊपर नहीं रखते बल्कि जो अपनी एफिलिएशन नीड है जो लोगों से जुड़ने का जो उनका जो उनकी ज़रूरत है वो उसको ज़्यादा महत्व देते हैं तो इस प्रकार के लोग जिनके अंदर नीड फॉर एफिलिएशन हाई होता है इसके बाद जो दूसरी तरह की जो नीड उन्होंने आइडेंटिफाई की वो है नीड फॉर पावर यानी कि यहाँ पर उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इस बात से या इस चीज़ की जरूरत होती है कि वो कैसे दूसरों पर नियंत्रण कर सकें कैसे दूसरों को ज़्यादा प्रभावित कर सकें और उनके विचार उनको ज़्यादा तवज्जो मिले वो भले ही सही हों या गलत हों इस बात से ज़्यादा उनको ये उनके लिए ज़रूरी है कि उनकी बात को ज़्यादा महत्व दिया जाए उनकी बात के आधार पर दूसरे लोग कार्य करें यानी कि वो दूसरे लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और दूसरे लोगों को प्रभावित करने का भी प्रयास करते हैं तो इस तरह के लोगों के अंदर नीड फॉर पावर ज़्यादा होती है और वो दूसरों को नियंत्रित करना दूसरों को प्रभावित करना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बल्कि वो दूसरों से जो संबंध यानी जो दूसरों से उनके परस्पर संबंध हैं उससे ज्यादा वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे दूसरे लोग उनके नियंत्रण में रहें कैसे दूसरे लोग उनसे प्रभावित हों और इस तरह के लोग जिनके अंदर नीड फॉर पावर हाई होता है अक्सर यह देखा गया है कि वो अपने नीड फॉर पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए मेटेरियलिस्टिक तौर पर अपनी चीज़ों को ज्यादा प्रकट करते हैं जैसे ज्यादा महंगे कपड़े पहनना ज़्यादा महंगी गाड़ी से घूमना या महंगे होटल्स में खाना खाना या इस प्रकार के कुछ व्यवहार हैं जो वो करते हैं ताकि उनका जो नीड फॉर पावर है वो उनका सेटिस्फाई हो सके इसके बाद जो तीसरी नीड उन्होंने आइडेंटिफाई की मैकलिन ने वो है नीड फॉर अचीवमेंट और इस नीड में उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से जो व्यक्ति जिनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट हाई होता है वो लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ ज़्यादा केंद्रित होते हैं और वो हमेशा एक चैलेंजिंग लक्ष्य अपने लिए स्थापित करते हैं या अपने लिए निर्धारित करते हैं और उनके लिए उस प्रक्रिया में यानी उस चीज़ को अचीव करना उस लक्ष्य को प्राप्त करना उन वो उनके लिए आ, उनकी ज़रूरत का हिस्सा होता है यानी उनको लाइफ में चैलेंजेस पसंद होते हैं और ऐसे लोग जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करते हैं वो उसको पाने का प्रयास करते हैं उसको अचीव करना चाहते हैं और ऐसे लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं और इसी कारण से ये देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में और स्टूडेंट्स में भी ये पाया गया है कि जिनके अंदर अचीवमेंट की नीड हाई होती है यानी ज़्यादा होती है वो कहीं ना कहीं अपनी एकेडमिक लाइफ में अपनी ओवरऑल लाइफ में वो काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं और कई बार इस तरह के लोग ज़रूरी नहीं कि वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे ज़्यादा फोकस हों यानी वो ज़्यादा उन चीज़ों के पीछे जाएं, या ज़्यादा उन चीज़ों को पाने का प्रयास करें परंतु वो ये भी प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आ, उनको जो लक्ष्य जो प्राप्त करने में जो उनको चैलेंजेस मिल रहे हैं इससे भी उनको जो उनका जो नीड फॉर अचीवमेंट है वो कही न कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होता है तो इसके बाद इसी क्रम में हम लोग एक और आ, कार कैरल ड्वेक द्वारा जो एक और प्रतिपादित सिद्धांत है जो सेल्फ सिद्धांत है मोटिवेशन का उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे इसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे कैरोल ड्वेक द्वारा जो प्रतिपादित एक सिद्धांत है जिसको उन्होंने सेल्फ थियोरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा उसमें उन्होंने ये देखा कि हमारे पर्सनैलिटी किस प्रकार से हमारी नीड फॉर अचीवमेंट को से जुड़ी हुई है यानी कि उन्होंने अपने बहुत जो एक्सटेंसिव रिसर्च की उसमें उन्होंने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर जो नीड फॉर अचीवमेंट है वो किस प्रकार से उनकी पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड है और इससे संबंधित उन्होंने जो रिसर्च किया उसमें प्रमुखता से उन्होंने जो जिस आइडिया को उन्होंने कह सकते हैं जिस पर निर्भर होकर ये अपना शोध किया उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और दूसरा एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति अपनी अचीवमेंट के लिए या अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं या खुद के गुणों को उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो इंटरनल होता है और ऐसे व्यक्ति जो ये मानते हैं कि उनकी अचीवमेंट के लिए या उनसे जुड़े हुए जो जो उनकी घटनाएं जीवन में हो रही हैं उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स जिम्मेदार हैं उनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है तो इस प्रकार के लोगों में उन्होंने अपने शोध में ये पाया कि जो इस प्रकार के इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने खास करके छात्रों पे जो स्टडीज़ की उसका मैं यहाँ पर आपके लिए जिक्र करूँगा तो उन्होंने ये पाया कि जिन छात्रों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है यानी कि वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं उनके कंट्रोल में नहीं है और जो फैक्टर्स जो जैसे कि इंटेलिजेंस ही अगर एक फैक्टर है तो इंटेलिजेंस के बारे में भी उनका ये मानना होता है कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो फिक्स्ड है और वो कहीं ना कहीं जो हमारे पास जितनी इंटेलिजेंस का लेवल है हम उसको बदल नहीं सकते या उसको हम बढ़ा नहीं सकते तो इस कारण से वो जो भी शुरू से प्रयास करते आते हैं वो उसमें आगे चल करके कोई वृद्धि नहीं कर पाते जबकि जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो जब कभी इस प्रकार की परिस्थिति में होते हैं तो वहाँ पर वो जो मूल्यांकन करते हैं उनके अनुसार जो उनकी इंटेलिजेंस है या जो उनकी परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं उसको वो बदल सकते हैं वो उसको नियंत्रित कर सकते हैं और इसलिए वो आगे चल करके ज़्यादा प्रभावी ढंग से अपनी जो जो एनर्जी है या जो अपना जो गोल के प्रति जो लक्ष्य प्राप्ति के प्रति जो प्रयास हैं वो ज़्यादा उसको सटीक तरीके से ज़्यादा प्रभावी तरीके से उसको कर पाते हैं इसलिए ये देखा गया है कि जिन लोगों का इंटरनल लोकस ऑफ़ कंट्रोल इंटरनल होता है वो ज़्यादा परिस्थितियों से ज़्यादा बेहतर तरीके से वो सामंजस्य बिठा पाते हैं या यूँ कह लें कि परिस्थितियों में वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से कार्य कर पाते हैं जबकि जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है वो शुरुआती फेलियर्स अगर उनको मिल जाएँ तो उनके अंदर एक प्रकार की ऐसी टेंडेंसी डेवलप हो जाती है जहाँ पर वो असहाय महसूस करने लगते हैं या वो ये मानते हैं कि अब स्थिति उनके नियंत्रण के बाहर है तो इस प्रकार के जो लोग हैं इसीलिए इन्होंने कैरोल ड्वेक ने जो नीड फॉर अचीवमेंट है उसको पर्सनैलिटी से जोड़ा है जिन लोगों के अंदर इस प्रकार की जो पर्सनैलिटी है जो इंटरनली अपने चीज़ों को मानते हैं कि वो खुद नियंत्रित कर सकते हैं उनके अंदर जो अचीवमेंट की नीड है वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पूर्ण कर पाते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो ये मानते हैं कि उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो एक्सटर्नल है तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इस तरह के शोध से ये पता चलता है कि लोग अपने ऊपर उनका कितना नियंत्रण महसूस करते हैं खुद के इससे भी उनकी जो आवश्यकताएं हैं और उसके प्रति जो उनके प्रयास हैं वो प्रभावित होते हैं तो यहाँ पर आज हम अपने इस सत्र को चूंकि हमारा समय अब समाप्त हो रहा है तो हम आज के अपने इस सत्र को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने अगले सत्र में हम मोटिवेशन से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करेंगे और उससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे जिसमें से हम एराउजल थियोरी गोल सेटिंग थियोरी और एक्सपेक्टेंसी थियोरी की बात करेंगे साथ ही साथ हम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है नीड हायर मॉडल हम उसकी भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण के जो दो प्रकार हैं प्रमुख रूप से एक इंट्रेंसिक मोटिवेशन और एक एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन उसके बारे में भी हम अपने अगले सत्र में चर्चा करेंगे तो आज के इस सत्र में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभिप्रेरण और हमारा जो पिछला टॉपिक जो छूट गया था संवेक के बारे में जो कुछ थेरीज़ को डिस्कशन करना वो भी आज हमने किया तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस सत्र से आपको कुछ लाभ मिला होगा और अपने इस सत्र की समाप्ति पे मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ